मैं हाईकमान दोनों हाईकमान को विश्वास दिलाता हूँ कि उनके जो अजमेर ज़िले की जो जीत दिला के सीट पर हम सब कांग्रेस जिले वाले मिल कर के। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की हाईकमान दिल्ली, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हाईकमान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाईकमान का आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक खेत की मेड़ से पैदा होकर के बड़े हुए किसान के बेटे को लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया है। मैं हाईकमान दोनों हाईकमान को विश्वास दिलाता हूँ कि उनके जो अजमेर ज़िले की जो जीत दिला के सीट पर हम सब कांग्रेस जिले वाले मिल कर के विजय श्री हमको मिलेगी और आने वाले टाइम में भी जो है जो अधूरे सपने हैं, स्मार्ट सिटी आंसू बहा रहा है, अजमेर से नाम को स्मार्ट सिटी है, जितना फंड आया उतना काम नहीं हुआ तो आंसू बहा रहा है तो उसके आंसू पूछेंगे। दिल्ली में जो लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे हर मुद्दे के ऊपर, मेड़ता से अजमेर, अजमेर से जो है कोटा, अजमेर से सवाई माधोपुर रेलवे लाइनों को पूरी कराएंगे, तीन ओवर ब्रिजेज जो है आज भी 7 साल, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी विधायक बोल रही है कल उनकी मीटिंग के अंदर कि वो पुलियाँ अभी भी अधूरी पड़ी, इनका विधायक बोल रहा है कि वो तो भाणियों जाट है, पर मैं उस सब में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उनके बारे में कुछ ही, मैं तो यही कहता हूँ जो बागेरी जी चौधरी साहब से अधूरे काम रह गए हैं, काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, खगड़ा ही अधूरा पड़ा है, तो कामों को हम सब मिल करके उनके कामों को पूरा करेंगे और उससे भी आगे एक बना के इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। हाँ, प्रधानमंत्री को गलत टिप्पणी को लेकर आप पर आरोप लग रहा है, कौन सी टिप्पणी? आप बोलो, शब्द बोलो, मैंने क्या गलत बोला? जो भी बोला नहीं, जो भी क्या आप बोलो वो शब्द बोलो तो मैं कहूँगा इसमें गलत क्या है। पत्नी को लेकर भी आपने टिप्पणी की थी? हाँ बिल्कुल, तो ये क्या गलत की? मैं, मेरे धर्म पत्नी है ये खड़ी है, मैंने इसके साथ 7 फेरे खाए हैं और 7 फेरे में जो एक एक फेरे में मैंने, वो ब्राह्मण बोलता है कि आप कहीं तीर्थ यात्रा जाओगे तो साथ ले जाओगे, पूजा पाठ में जाओगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्म ही है, सनातन धर्म कह रहा है, वो जो 7 फेरे के टाइम जो 7 वचन दिए एक दूसरे, इसने मेरे से लिए और मैंने इससे वचन लिए, तो आज मैं इसके 7 वचन पूरे नहीं करता हूँ तो जास्ती है ना, है ना, तो मैंने गलत क्या कहा बताओ? मैंने उनको अपशब्द नहीं बोला, माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री बोला है, फिर भी उनकी आत्मा को ठेस लगे तो कोई बात नहीं, वो अब धर्मपत्नी को दिल्ली ला के साथ में तो रख ले, महीने 2 महीने तो बेचारी को ये तो लगे कि भी पीएम की जो सुविधाओं का कितना आनंद मिलता है ना, कोई मैंने गलत नहीं कहा, फिर भी वो अदरवाइज लेते हैं, अब उनके पास कहने को कुछ है नहीं, मेरे खिलाफ़ क्या कहे, मैंने कह दिया ना मेरे पास साइकिल भी नहीं है, तांगा भी नहीं है, मेरे पास जो है आप होटल नहीं है, मेरे पास माइंस नहीं है, मेरे पास फार्म हाउस नहीं है, तो मेरे लिए क्या बोलेंगे? तो ये कहेंगे वो टिप्पणी बदली गई, महारानी साहब को कहो कि तुम्हारे खानदान में जो लड़ाई हुई आपस में कितनी टिप्पणी की, वो टिप्पणी तो लाओ प्रेस के सामने, लाया क्या कभी? तो दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने से पहले महारानी साहब को अपने घर के शीशे के उसकी तरफ देखना चाहिए, ठीक है। मैं फिर भी प्रधानमंत्री जी को ये बात महसूस हुई है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, मेरी भावना ये नहीं थी, मैं तो सनातन धर्म के रिवाज थे उसकी बात की है मैंने। चौधरी जी, आपने संबोधन के दौरान आप भावुक हो गए थे और आपने कहा था कि ये मेरा शायद आखिरी चुनाव हो सकते हैं, तो अगर जो भी क्या पूरा कहा था उस वक्त कई मीडिया वाले नहीं थे, एक बार रिपीट कर दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जिंदगी का ये आखिरी चुनाव है, लोकसभा का आखिरी चुनाव है और मेरा प्रयास होगा मेरे किसानों के, दूध वालों के जो अधूरे सपने उनको पूरा करूँ, और यदि मैं नहीं कर पाऊँगा तो एक अभी थापड़ी देना हमें, ये तो कहूँगा ना, कभी मैं अंतिम क्रियाक्रम होती है तो थापड़ी की रस्म होती है, वो किसान लोग मेरी पूरी कर दे, मेरी आत्मा खुश होगी मेरे किसानों ने थापड़ी। एक आला नेता आपसे इस दिल्ली में नहीं आए, मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का आने का था, प्रदेश अध्यक्ष का आने का था, लेकिन वो नहीं आए और सब जगह गए हैं, कई जो मेरी बात सुनो, ये तो ट्रेलर था, आज का प्रोग्राम ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, सारे नेता आएंगे दिल्ली तक के लेकर जयपुर पे, ठीक है ना, ठीक ठीक, ये तो ट्रेलर है, बीजेपी फार्म भर रही है, कितने आदमी लाते हैं, उनके कौन कौन से नेता आते हैं, उनसे हमारे बड़े नेता आएंगे और उनसे भीड़ दुगनी होगी, या आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे जब ऐसे नौजवान ऐसे गुजर साथी जब हमारे साथ हैं तो हम कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है,
बहुत मजबूत है। कांग्रेस ने काम किया देश के विकास में। देश में क्या था, आलपी नहीं बन रही थी, आज हवाई जहाज उड़ा रहे, चांद पर जाने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है।